नरमोहन सरकार की पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री पुलिस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिल सके इसलिए इस अस्पताल को बनाया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, विभागों में सभी सुविधाएं होंगी। बता दें कि पीडियाट्रिक, गायनिक, डेंटल, आई जैसे विभागों की सुविधा यहां पर होगी। मरीजों के लिए 2 मेल और 1 फीमेल वार्ड होंगे। 25वीं बटालियन अस्पताल का संचालन करेगी। ओपीडी के साथ पहले चरण की शुरुआत होगी। महिला और बच्चा वार्ड में कुल 10 बेड होंगे। हाई डिस्पेंसी यूनिट और रिकवरी रूम में 5-5 बेड लगाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ओपीडी और ओटी लेबर वार्ड बनाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर मेल फीमेल चिल्ड्रन वार्ड बनाया गया है। इस तरीके से इस पूरे अस्पताल को तैयार किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर विशेष तौर पर पुलिसकर्मियों के लिए बनाया गया है जिससे उनको और उनके परिजन को बेहतर इलाज जो है वो मिल सके, और इसी दिशा में सरकार अब काम भी कर रही है। बात अगर हम इस अस्पताल की करें तो क्या कुछ खास इस अस्पताल में रहेगा, किस तरीके से इस पूरे अस्पताल को तैयार किया गया है? जी बिल्कुल प्रीता, देखिए मोहन सरकार की एक बड़ी सौगात कह सकते हैं पुलिसकर्मियों के लिए, क्योंकि राज्य का पहला पुलिस अस्पताल जो है ये बनकर के तैयार हो चुका है और आज इसका उद्घाटन करने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। पुलिस कर्मियों के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उनके परिवारों के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है, तो कह सकते हैं आने वाले भविष्य को लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात जो है वो पुलिस कर्मियों को दी है, क्योंकि पुलिस कर्मियों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और पहले राज्य अस्पताल जो पुलिस के लिए जो है बनाए गए हैं उसमें अब वो सीधे तौर पर इलाज करा पाएंगे। उसमें जो है कई सारी चीज़ें जो है व्यवस्था की गई है, खास करके ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी सेवाएँ जो है इस अस्पताल में वो प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको बुलाया गया है। अलग अलग बीमारियों के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी इस अस्पताल में जो है मौजूद रहेंगे और 24/7 जो सेवाएं होती है वो इस अस्पताल में संचालित रहेंगी। पुलिस कर्मियों के अलावा उनके परिवार के लोग जो है इसमें सीधे तौर पर इलाज करा पाएंगे। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया है तो इसमें अति आधुनिक मशीनों का भी जो है उपयोग किया गया है। खास करके ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में भी जो है नए नए मशीन जो है वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ जो स्कैन के लिए भी मशीन लगाई गई है और इसके अलावा मेल और फीमेल के लिए जो है अलग अलग बेड भी तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए भी जो है अलग वार्ड तैयार किए गए हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज जो है अब इस अस्पताल में कराया जा सकेगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं ये अस्पताल जो है राजधानी के बीचों बीच है, तो ऐसे में अब जो है अलग अलग जो जिले हैं वहाँ से भी पुलिसकर्मी आकर के जो है यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे। 25वीं जो बटालियन है वो इसका संचालन करने वाली है और पूरे तरीके से जो है पुलिसकर्मियों के लिए ये समर्पित रहने वाला है। हालाँकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आम लोग भी जो है इसमें अपना इलाज करा पाएंगे। अभी फिलहाल इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के लिए जो है एक बड़ी सौगात मिल रही है और यहाँ पर जो है तमाम सारे जो डॉक्टर हैं और नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पर आएंगे और जो अति आधुनिक सुविधाओं के साथ जो इलाज किया जाता है उनको इलाज मिल पाएगा और 25वीं बटालियन जो है इसका संचालन करने वाली है। बिल्कुल, यानी कि हाईटेक अस्पताल अब भोपाल में बनकर तैयार हो चुका है खासतौर पर सभी पुलिस कर्मियों के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद रंजन तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।